ियल hey मैं और स्टार्ट करते हैं right? well, है, मतलब ये थी फोर्टी सिक्स

गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग कहना मतलब ये जो रेसलिंग की ग्लोबल लेवल पे ठीक है वर्ल्ड लेवल पे जो गवर्निंग बॉडी है जो इस रेस्लिंग जो गेम है इसको गवर्न कर रही है उसके द्वारा इंडिया के एक इंडियन रेस्लर को एक बैन किया गया कौन से वो रेस्लर है उसका नाम आपसे पूछा गया है तो इसका जो आंसर है दैट इज बजरंग पूनिया है बजरंग पुनिया और बजरंग पुनिया को बेसिकली सस्पेंड किया गया है इस साल के एंड तक के लिए ठीक है चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए विच कंट्री रिसेंटली एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस ठीक है आप सभी लोग जानते हैं रिसेंट एक कंट्री थी उसने इंडियंस को मतलब एंट्री के लिए इंडियन एंट्रीज के लिए ना वीजा फ्री कर दिया कंट्री ने इंडियंस के एंट्रीज के लिए वीजा फ्री कर दिया अपनी कंट्री अब उन्होंने बेसिक एक डेडलाइन होती है ना टाइम पीरियड होता है कि इतने से लेके इतने तक अगर कोई आएगा तो वीजा फ्री होगा लेकिन उस डेडलाइन डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है तो कौन सी कंट्री ने बेसिकली एक्सटेंड करा है वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस ये क्वेश्चन में पूछा गया तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका तो श्रीलंका ने एक डेडलाइन रखी थी कि तब से लेकर अब मतलब इस पर्टिकुलर टाइम तक बंदे जो हैं इंडियन जो है वो वीज़ा फ्री एंटर कर सकते हैं श्रीलंका में अब उन्होंने वो जो डेडलाइन रखी थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया है ठीक है तो कौन सी कंट्री दैट इज श्रीलंका श्रीलंका ने अपने डेडलाइन जो है वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस उसको एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया है ठीक है चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ एचडीएफसी लाइफ का मतलब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की यहां पे बात की जा रही है तो एचडीएफसी के न्यू चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज के मिस्त्री ठीक है ये इनका नाम है बेसिकली केकी मिस्त्री और ये अपॉइंट हुए एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी डी लाइफ इंश्योरेंस अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं जैसे म्यूचुअल फंड को सेबी जो है वो कंट्रोल करती है उसके बाद बैंकिंग को आरबीआई कंट्रोल करता है उसी तरह से इंश्योरेंस को कौन कंट्रोल करता है इंश्योरेंस को, को कंट्रोल करता है आई मतलब कौन करता है आई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक है तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए इंडिया हैज़ रिसेंटली विदड्रॉन इज मिलिट्री पर्सन पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री तो कहने का मतलब ये कि कौन सी कंट्री से इंडिया ने अपने मिलिट्री जो है वो विद्रॉ कर दिया हटा दिया वहाँ से तो इसका जो आंसर है दैट इज़ मॉलदीप्स कहाँ से करें मॉलदीप्स से आप सभी को पता है कि लास्ट एक टाइम पे मतलब कंट्री का हाँ मतलब मालदीव के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कुछ उल्टा सीधा ट्वीट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो तब से यू कैन अंडरस्टैंड सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस एंड इंडियंस ने अपने जो पर्सनल है मिलिट्री पर्सनल है वो मालदीप से हटा दिए हैं अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया ये बताइए एजेंडा ट्वेंटी सिक्सटी थ्री ठीक है रिसेंटली सीन इन द न्यूज न्यूज में देखने को मिला अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो एजेंडा ट्वेंटी सिक्सटी थ्री है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है इस रिलेटेड टू विच ऑर्गेजेशन तो बताइए इसका जो आंसर है दैट इज अफ्रीकन यूनियन ठीक है कौन सी ऑर्गेटेडर ट्वेंटी अफ्रीकन यूनियन अब अफ्रीकन यूनियन में बेसिकली फिफ्टी फाइव स्टेट में मतलब इसके मेंबर्स फिफ्टी फाइव इसके मेंबर्स हैं ठीक है थीके? और फिफ्टी फाइव बेसिकली अभी जो इसराइल मिलिट्री ने जो uh, मतलब ये गाजा के ऊपर जो हमला करा था उसको लेके इन्होंने अपना रोज जो है उसको कंडेम करा उसको क्रिटिसाइज करा ठीक है सो दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़ और न्यूज़ में एजेंडा 2063 अब ये क्वेश्चन इस, इस तरह से पूछा गया है कि बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन uh, रिलेटेड है तो इट वाज इट इज रिलेटेड विद अफ्रीकन यूनियन क्लियर अगला जो क्वेश्चन है है पूछा गया बताइए ठीक uh, तो जो, ग्रुण गुर्ण गुर्ण ग्रुण ग्रुण गुर्ण 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 जो थी इंडिया के बीच में वो कहां हुई ये क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख ठीक है कहां पे हुई ले लद्दाख में ओके अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च पीरुल लाओ पैसा पाओ ठीक है पीरुल लाओ पैसा पाओ ये जो स्टेट मतलब ये जो कैंपेन है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है क्यों लॉन्च हुई है टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर इन स्टेट मतलब ये जो जंगलों में आग लगती है ना इस आग को बचाने के लिए एक किसी स्टेट ने ये कैंपेन जो है लॉन्च करी है जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसा पाओ ये कैंपेन किस स्टेट ने लॉन्च करी है तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड क्लियर अब इसका जो मेन एम है वो यही है कि जंगलों को जो फायर लगती है उससे प्रिवेंट किया जा सके नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है बताइए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मो वेलफेयर इनेगरेटेड कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट विच प्लेस कहने ये कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फार्मो वेलफेयर ने मिलकर इनगोरेट करा है कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब ये कौन सी जगह पे करा है ये क्वेश्चन में पूछा है कौन सी जगह पे ये इनेगोगेट करा ये क्वेश्चन में पूछा गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू डेली क्या आंसर है न्यू डेली क्लियर

सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग वो भी कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ले देंगे सो मच थे बाय